रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सौर उमरेला की बबीता रावत पिछले 3 वर्षों से लगातार सब्जी और मशरूम उत्पादन कर बेहतर काम कर रही हैं। उनके बेहतर कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया है। तिलू रौतेली सम्मान मिलने पर बबीता के साथ ही पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, बहुत खुश हूँ जो तिलू रौतेली पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले बहुत खुश हैं, गांव वाले बहुत खुश हैं कि मुझे यह पुरस्कार मिल रहा है। दरअसल सौर उमरेला निवासी बबीता रावत 7 भाई बहन हैं। जब बबीता महज 14 वर्ष की थी तो उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्राइवेट नौकरी कर किसी तरह से गुजारा बसर कर रहे बबीता के पिता की तबीयत खराब होने से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चली। ऐसे में बबीता ने 14 वर्ष की उम्र में ही खेतों में हल लगाकर खेती का काम शुरू कर दिया। माँ भैंस पालकर दूध निकालती थी और बबीता खेतों में काम करने के बाद 5 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग इंटर कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाती थी, साथ ही दूध बेचने के लिए भी ले जाती थी। पारंपरिक फसलों से लाभ न हुआ तो 3 वर्ष पूर्व बबीता ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में मशरूम की मार्केट बनाने में काफी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन बाद में अच्छा मुनाफा होने लगा। इसके साथ साथ सब्जी उत्पादन का भी काम शुरू किया तो परिणाम बेहतर आने लगे। सर, सब्जियों में लगभग सारी ही सब्जियां मैंने यहाँ पे उगाई हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन और ये मकई मेरे यहाँ पे है, लौकी, करेला, ये सारी सब्जियां मेरे यहाँ पे उगाई हैं मैंने। तो लगभग शिमला मिर्च की बात करूँ तो 2-3 क्विंटल के लगभग हमारी शिमला मिर्च यहाँ पे उगाई है और बैंगन 2-2.5 क्विंटल के करीबन बैंगन उगाए हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को बबीता रावत की मजबूत इच्छा शक्ति ने न केवल उभारा बल्कि 3 बहनों की शादी और खुद एमए तक की पढ़ाई भी संपन्न की। आज वो सब्जी और मशरूम उत्पादन से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। इस सीजन में बबीता ने मशरूम उत्पादन और सब्जी उत्पादन से करीब 1 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जबकि बबीता बताती है कि मशरूम की इतनी खपत है कि वो पूरी ही नहीं कर पा रही है। तो मैंने मशरूम उत्पादन और सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया जिससे मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ और पैसा आने लगा, तो मैंने इसी काम को आगे बढ़ाया। सर, उद्यान विभाग, कृषि विभाग की बात करूँ तो लगभग है, थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, लेकिन इस प्रकार का हमें कुछ बड़ा वहाँ से नहीं मिला है कि हम अपने रोज़गार को थोड़ा और बड़े स्तर पर कर सकें। जैसे कि हम मशरूम की यूनिटों की बात करें तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मशरूम के अंदर बहुत अच्छा काम हो सकता है, तो विभागों को थोड़ा मशरूम के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो लोग प्रवासी गाँव लौटे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि जो लोग बाहर 15-20 हज़ार, 25 हज़ार तक की नौकरी कर रहे थे वो लोग यहीं पर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में लगन, कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति से आज न केवल वो घर में सम्मानजनक रोजगार कर रही हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई हैं, जो लोग पहाड़ों को केवल मिट्टी पत्थर का ढेर समझकर यहाँ से पलायन कर जाते हैं और महिलाओं को केवल घर के चूल्हे चौके के काम तक ही सिमट कर रख देते हैं। बबीता के बुलंद हौसलों को हम सलाम करते हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।